फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर आई विल डिस्कस अबाउट सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास का ये प्लान व्यू है, ये ऊपर से ऐसा दिखाई देगा और साइड से जो है उसे कट कर देंगे बीच से और साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल ये होती है जो कि फ्री है, यानी कि जो है सर्कुलर बॉक्स है और जो ग्रेजुएटेड सर्कल है उससे फ्री होती है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ज्वेल बेरिंग। ज्वेल बेरिंग ये होती है, ये इसलिए लगाई जाती है ताकि जो मैग्नेटिक नीडल है इसका मूवमेंट एकदम फ्रीली हो सके। सेम उसी प्रकार से जैसे हमारे कार बस में जो व्हील में बेरिंग लगी रहती है, सेम उसी प्रकार से इसमें लगाई जाती है। अब देखते हैं पिवट। पिवट जो ये होता है पिवट जिसके ऊपर माउंटेड होता है ज्वेल बेरिंग। लिफ्टिंग लीवर। लिफ्टिंग लीवर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है ये लिफ्टिंग लीवर है। ये इसलिए लगाया जाता है जब भी क्या है हमारा सर्वे वर्क एंड होता है तो जो है हम इसे फोल्ड कर देते हैं। ये पिन जो दिख रहे हैं, ये पिन जो रहती है हिंज लगे रहते हैं, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं तो ये कंपास से क्लोज हो जाता है। और जो ये ज्वेल बेरी ये जो लिफ्टिंग लीवर जो होता है ये हमें क्या होता है, ये मैग्नेटिक को ऊपर कर देता है, जो नीडल है इसको ऊपर कर देता है, ग्लास से चिपका देता है तो ये मैग्नेटिक नीडल काम करना बंद कर देती है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये अगर ये ऐसा ना हो तो 24 घंटे जो है मैग्नेटिक नीडल वर्क करेगी तो इसका जो है मैग्नेटिक कैपेसिटी जो है खत्म होने की संभावना रहती है। इसलिए जब भी हमारा सर्वे वर्क एंड होता है तो हमें ये क्लोज कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं सर्कुलर बॉक्स। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो डार्क किया हुआ है ये जो है सर्कुलर बॉक्स है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो दिख रहा है ये सर्कुलर बॉक्स होता है जो कि ग्रेजुएटेड सर्कल के साथ जुड़ा होता है। इसके बाद देखते हैं ग्रेजुएटेड सर्कल। ग्रेजुएटेड सर्कल आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसमें जो है साइड व्यू में इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन कलर में जो है ये साइड व्यू में ये है। और ये अपन टॉप व्यू से देखेंगे तो ये है ग्रेजुएटेड सर्कल। इसमें ये मार्क लगे हुए हैं, ये मार्क लगे रहते हैं तो इसका जो है इस प्रकार से जूम देखेंगे तो इस प्रकार से मार्क डिग्री में होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट वो होती है, एक लाइन होती है जो ऑब्जेक्ट वेन्यू, आई वेन्यू और जो है अपना टारगेट, यहाँ पे कोई टारगेट है, तीनों को बाइसेक्ट करते हुए निकलती है, उसी को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं टॉप ग्लास। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये टॉप ग्लास होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट को कवर करता है, और ये होता है आई वेन्यू और ये होता है ऑब्जेक्टिव वेन्यू। और इसमें जो है ये बबल लगाया जाता है, बबल ट्यूब होती हैं, ये इसलिए होती हैं क्योंकि हम लेवलिंग कर सकें। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जो आपको कंपटीशन एग्जाम और इंटरव्यू में बहुत हेल्पिंग रहेगा। इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं कंपास सर्वे का जो लीस्ट काउंट होता है सर्वेयर कंपास का, वो 15 मिनट होता है, 15 मिनट्स होता है, और यही कह रहा है ये पॉइंट। अब जो है कंपास सर्वे में जो सर्वेयर कंपास में जो ग्रेजुएशन होते हैं, ये जो ग्रेजुएशन जो देख रहे हैं आपको, तो ये होते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों, क्योंकि ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम पे वर्क करता है। और इसमें जो है 0 डिग्री जो होता है नॉर्थ और साउथ में होता है, और 90 डिग्री जो होता है ईस्ट और वेस्ट में होता है। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, इसमें जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों एंगल है, मैंने बता दिया है। इसके बाद जो इसमें ग्रेजुएशन जो होते हैं वो सीधे होते हैं, जो अंक जो लिखे हुए होते हैं वो सीधे होते हैं। और इसमें जो मैग्नेटिक नीडल होती है, नेक्स्ट पॉइंट जो है मैग्नेटिक नीडल जो होती है एज बार टाइप से होती है, ये इंडेक्स की तरह वर्क करती है। अब अगला पॉइंट हम नेक्स्ट देखेंगे, मैग्नेटिक नीडल इज ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वर्क करती है, यानी कि जो हमेशा हम कंपास को किधर भी घुमाते रहें इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे, लेकिन जो सुई जो रहेगी मैग्नेटिक नीडल वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेंगी, मूवमेंट जो है सिर्फ इनका होगा, सर्कुलर बॉक्स और ग्रेजुएटेड सर्कल का होगा, मैग्नेटिक नीडल नहीं होगी। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि इसमें जो है रीडिंग टॉप से ले सकते हैं। जो हमारा जो बॉक्स होता है इसमें सिंपली अपने को दिख भी रहा है कि सिंपल जो है जो इसमें जो है जो नंबर जो है वो सीधे अंकों में लिखाए हुए हैं,
तो लिखे हैं तो अपन सीधे टॉप बॉक्स से टॉप से देखकर भी ये ऊपर से देखेंगे इस तरीके से और रीडिंग पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो है ये कह रहा है कि सर्कुलर बॉक्स जो है वो अटैच होता है ग्रेजुएटेड सर्कल से। अब हमें दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये है सर्कुलर बॉक्स और ये है ग्रेजुएटेड सर्कल, ये दोनों अटैच हैं, ये दोनों जो है अटैच है, आपको साइड व्यू में ज़्यादा इजी वे में दिखेगा, ये दोनों अटैच होते हैं। और जो मैग्नेटिक निडल होती है ये इन दोनों से फ्री रहती है। जब मैग्नेटिक निडल का मूवमेंट होगा तो ग्रेजुएशन सर्कल और सर्कुलर बॉक्स दोनों फिक्स रहेंगे, और जब भी हम लाइन ऑफ साइट का मूवमेंट करेंगे यानी कि देखने के लिए कुछ इस तरीके से घुमाएंगे अपन सर्कुलर बॉक्स को, तो जो है लाइन ऑफ साइट का मूवमेंट करेंगे तो ये नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन सर्कुलर बॉक्स और जो है ग्रेजुएटेड सर्कल उसका मूवमेंट होगा। यही हमारा ये वाला पॉइंट किया है, इसी में फोकस हुआ है। अब जो है हम नेक्स्ट देखेंगे हम ये रीडिंग किस प्रकार से पढ़ते हैं सर्वेयर कंपास में, उसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक कवर कर लेते हैं। ट्रेवर्स सर्वेइंग जो होता है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हिंट देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है मान चलो, तो उसकी जो रीडिंग पढ़ेंगे नॉर्थ थीटा ईस्ट यानी कि यहाँ से इतना एंगल बना है। जैसे मान चलो सपोज के लिए इस डायरेक्शन पर है तो यहाँ से जो एंगल बनाया है वो हम लेंगे साउथ थीटा वेस्ट। ये इसलिए लेते हैं, हमेशा जो रीडिंग रहती है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में वो नॉर्थ या साउथ से लेते हैं सिर्फ, या फिर जिस चीज के करीब होता है, ये इसके करीब है तो यहाँ ले लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ थीटा वेस्ट, तो ये किसके करीब है, नॉर्थ के या साउथ के, तो हमें दिख रहा है नॉर्थ के करीब है तो नॉर्थ लिख लेंगे शुरू में। अब थीटा लिख लेंगे जो एंगल यहाँ से ऐसा बनाएगा, ये एंगल कितना बना है। अब किस डायरेक्शन किनारे है, ये वेस्ट के किनारे, सेम ऐसे ही लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको और डिटेलिंग नेक्स्ट आने वाले वीडियो में ट्रेवर्सिंग में कवर करेंगे। अब हम एग्जांपल लिए हैं, इस एग्जांपल मैंने समझाने के लिए लिया है कि सर्वेयर कंपास है उसमें कैसे करेंगे। तो हमने मान लिया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है रेंजिंग रॉड है वो फोर्थ क्वाड्रेंट की डायरेक्शन में है, सपोज यहाँ पर है, सपोज हमने समझ लिया है। तो पहले आपको समझा देते हैं जो मैग्नेटिक नीडल है और जो ये सर्कल का फंक्शन कैसा रहेगा, इस तरीके से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। ये जो आपको जो दिख रहा है, ये समझ लीजिए आई वेन्यू है, यहाँ से जो आई वेन्यू और ये ऑब्जेक्टिव वेन है, हम ऐसा देखते हैं, इस तरीके से हम देखेंगे यू ऐसा देखेंगे, तो ये आई वेन्यू जो ऑब्जेक्टिव वेन्यू, ये इस तरीके से ऐसा। तो अभी ये इसमें दिख भी रहा है यहाँ पर, जैसे कि ये जो दिख रहा है ये ग्रेजुएटेड सर्कल हो गया, ये अंदर जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो लिखा है, और ये लाल कलर से जो है ये सर्कुलर बॉक्स है ये वाला, और नीडल कुछ इस तरीके से, ये दोनों अटैच रहते हैं, इनका मूवमेंट हम कैसे भी करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। और जो मैग्नेटिक नीडल है उसको हम एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसा समझ लेंगे, ये हो गया मैग्नेटिक नीडल। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम कंपास का मूवमेंट करेंगे तो मैग्नेटिक निडल जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फिक्स रहती है, मैंने आपको बताया है। अब जब भी कंपास का मूवमेंट करेंगे, जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमारा जो है ग्रेजुएटेड सर्कल और सर्कुलर बॉक्स का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन हमारी जो मैग्नेटिक निडल है वो कॉन्स्टेंट जो है सिर्फ ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन में ये है, चाहे हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें इस तरीके से। अगर हमारा टारगेट इधर है तो यहाँ से देखेंगे हम इधर, तो ऐसा मूव कर रहे हैं तब भी हमारी ये मैग्नेटिक नीडल फिक्स है, ये हमारा ये सिर्फ मूव हो रहा है ग्रेजुएटेड सर्कल और सर्कुलर बॉक्स, इस तरीके से मूवमेंट होगा। अब हम देखते हैं, ये मेनली देखेंगे कि ये जीरो पोजीशन में है। अभी हमने क्या है, सर्वे या कंपास को प्रैक्टिकल फील्ड में ले गया है, वहां पे जाके लेबलिंग कर ली है। लेबलिंग करने के बाद हमने पहले इसे जैसा कि वैसा रख दिया है, तो ये मैग्नेटिक निडल अपने आप जो है मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये जो है हमने क्या किया है, सर्कुलर बॉक्स को भी सेम उसी डायरेक्शन में रख लिया है जहाँ पे नॉर्थ है, सेम वही दिख रहा है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव वेन्यू, ये आई वेन्यू, और ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट इस तरीके से, और ये हो गया ग्रेजुएटेड सर्कल, ये नंबर जिस पे लिखे हुए ये नंबर हो गया ग्रेजुएटेड सर्कल, और ये सर्कुलर बॉक्स जो थोड़ा सा डार्क मैंने शो किया हो, ये हो गया सर्कुलर बॉक्स।
तो इस प्रकार से अभी ये जीरो पोजीशन में रखा हुआ है, इस प्रकार से जीरो पोजीशन। अब हमें क्या करना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये बताया था मैंने, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जीरो है तो नॉर्थ पे है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पे, तो हमें ऐसा एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा। ये जीरो में है अभी, तो हम इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे क्योंकि हमको ये रेंजिंग रॉड देखना है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हम देखेंगे इस यहाँ से आई वेन्यू जो है, यहाँ से देखेंगे ऑब्जेक्टिव वेन्यू जो यहाँ पे लिखा है वहां पर देखेंगे, तो इस तरीके से ये होगा। जब हम इसको यहाँ से देखेंगे आई वेन्यू, ये भी दिख रहा है इसमें भी आई वेन्यू, और ये ऑब्जेक्टिव वेन्यू और ये टारगेट, तीनों को एक सीध में देखेंगे। जब एक सीध में हो जाए, बाइसेक्ट करने लगेगा, तब हम जो है कंपास को छोड़ देंगे। जैसे ये क्लिक, ये एक साथ एक लाइन में आ जाता है, इसके बाद हम कंपास को साइड से देखना, यहाँ से देखना बंद कर देंगे। अब हमारा जो समय होता है फाइनल रीडिंग रहने का, लेने का होता है। ये मूवमेंट इस तरीके से हो गया है, ये इस तरीके से यहाँ आ गया नॉर्थ, ये आपको दिख भी रहा है, ये नॉर्थ यहाँ आ गया। और ये मैग्नेटिक नीडल तो कांस्टेंट है, मैंने बताया था, तो अपनी जो है पोजीशन वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहीं पे बनाए हुए है। तो अब जो है हमने कंपास को घुमाकर कुछ इस तरीके से किया है, तो इस तरीके से हो गया है। तो अब जो है ये एंगल हमें सिर्फ ऊपर से पढ़ना है, ऊपर से सिर्फ वही देखना है जो मैग्नेटिक नीडल देखना, कुछ नहीं करना हमको, बस मैग्नेटिक नीडल में। इसलिए जो रेड साइन अंकित किया होता है इसमें, ताकि आप सीधे सीधे रेड वाले कॉर्नर को देख लें, हमको इधर से किसी से मतलब नहीं है, सिंपल आपको रेड वाले कॉर्नर को देखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये कॉर्नर पे टच हो रहा है 50, तो हमको ये पढ़ना ऐसा है 50 हो रहा, रीडिंग तो 50 आ गई, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये लिखा है नॉर्थ, ये नॉर्थ ठीक है, नॉर्थ लिख लिया हमने, इस तरीके से नॉर्थ लिख लिया। फिर इसके बाद एंगल था तो 50 लिख लिया। अब कंफ्यूजन है कि भाई इसमें अब आगे लिखें क्या, तो आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है नॉर्थ 50, ये दोनों के बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो जो अगली जो वैल्यू लिखेंगे वो वेस्ट लिख देंगे, तो नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट हो गया। और एक इंटरव्यू में इस टाइप से क्वेश्चन होता है कि भाई जो कंपास होता है सर्वेयर कंपास ने, वो जो है ईस्ट और वेस्ट की वैल्यू जो है इंटरचेंज होती है, अकॉर्डिंग टू जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है उसमें जो है अलग होता है, नॉर्थ साउथ इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। लेकिन मैग्नेटिक कंपास में इसकी मैकेनिज्म ऐसी होती है कि जो अंकन होता है वो उल्टे होते हैं, लेकिन उल्टे इसलिए रहते हैं क्योंकि वो करेक्ट मान दर्शाने के लिए। अगर हम ऐसा पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे मान चलो जो ईस्ट है वो अगर यहाँ ईस्ट होता तो उसकी रीडिंग हम इस तरीके से लिखते हैं, नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, यहाँ वेस्ट लिखा था जो कि एक्चुअल था। अगर हम रॉन्ग पढ़ रहे हैं, मान चलो गलत रीडिंग जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा है, मान चलो नॉर्थ 50 डिग्री और यहाँ पर ये सपोज ईस्ट, या तो एक्चुअल था लेकिन हम मान रहे हैं यहाँ पर ईस्ट है, तो ये ईस्ट लिखते, तो जो वैल्यू आ गई नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट, तो अब हम जो है देखेंगे इसमें देखेंगे तो नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट वो तो इस कोऑर्डिनेट में आ गई फर्स्ट में, जबकि टारगेट हमारा यहाँ पर है, तो ये तो टोटल रॉन्ग हो गया। तो ये वाली जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू हमने लिए है, ये तो पूरी गलत है, तो एक्चुअल में सही करने के लिए जो है इसको जे वाली जो सही रीडिंग है, इसलिए जो है सर्वेयर कंपास में जो है ईस्ट और वेस्ट की वैल्यू थोड़ी सी पोजीशन चेंज होती है। इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया सर्वेयर कंपास का। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम जो है प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।